नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे की सुखद समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम अपने घर पर 4 टेस्ट 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। ये सभी मुकाबले इंग्लैंड के विरुद्ध 5 फरवरी से खेले जाएंगे। बता दें कि इंग्लैंड के भारत दौरे की शुरुआत 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से होगी, जिसके पहले 2 टेस्ट मैच के लिए BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के विरुद्ध शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए विराट कोहली की वापसी हुई है। वे एक बार फिर से टीम इंडिया की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भी फिट होने के बाद टीम में वापस जुड़ गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी ब्रिस्बेन के 4th टेस्ट मैच में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि बाहर होने वाले खिलाड़ियों में हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा, नवदीप सैनी, पृथ्वी शॉ और टी नटराजन का नाम शामिल है। भारत की टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली कप्तान, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, वॉशिंगटन सुंदर, रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। इस टीम को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन के आधार पर इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम पहले 2 मैचों में एक बार फिर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी का ओपनिंग करना लगभग तय है। इस जोड़ी के आने के बाद से निश्चित ही भारतीय टीम को शानदार शुरू मिली है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच भी इसी मैदान पर 13 फरवरी से आयोजित होगा। इसके बाद दोनों टीमें अहमदाबाद का रुख करेंगी, जहां तीसरा टेस्ट 24 फरवरी और चौथा टेस्ट 4 मार्च को शुरू होगा। तीसरा टेस्ट डे नाइट होगा, जो कि दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जबकि शेष 3 मैच सुबह 9:30 बजे से खेले जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।